This is Kanchan. Welcome you all in our daily use English words series 1. Today we will learn the use of two basic words, please and thank you. Please ka use request karne ke liye hota hai. Example ke liye, mom, could you give me a glass of water please? May I use your mobile please? Can I join your table please? Ye sare words request ke liye hue aur polite way mein kehne ke liye hua. प्लीज का यूज पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए होता है, जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द ग्रामर अगेन. यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है ग्रामेटिकल वे में कि प्लीज का यूज वर्ब से पहले होता है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस में हेल्प से पहले प्लीज आया है. सेकेंड केस में कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द ग्रामर अगेन में explain से पहले please आया है. So explain is a verb and please is placed before the verb. So whenever we are asking a polite question by using please, so do not forget to use please before verb. Please का use तब भी करते हैं जब हमें कुछ information देना होता है on a formal level या example के लिए mail में, जैसे कि please find attached the required file. Please find the enclosed data you asked for. यहाँ पर हम please का use इसलिए करते हैं ताकि हम emphatic बनाते हैं, एक उस पर जोर देते हैं जो हम share कर रहे हैं. दूसरा, हम polite अपने politeness को भी जताते हैं, to make it more polite. हम सीधा भी कह सकते थे कि find attached the required file, but वो कहना उतना manner में नहीं हुआ, उतना polite नहीं हुआ. That's why we have used here please. Now, our second word is thank you. Thank you is used when a compliment is given. Or, ye one of the use hai thank you ka. Example dekhte hain. You are an amazing performer. Thank you. Mom, you are world's best mother. Thank you. So, is sentence ke frame mein, hum compliment ko pehle mention karte hain, jo wo deserve karte hain. Uske baad unko hum thank you dete hain as a reward. Thank you is often used at the beginning of a reply to an offer, जो कि positive भी होता है और negative भी होता है. हमें किसी ने कुछ offer किया, हम उस offer को accept कर सकते हैं और response आगे बढ़ा सकते हैं, या हम उसको मना कर सकते हैं, पर मना करने का कारण दे देने से सामने वाले person को ये feel होता है कि that person is very polite, उसने मना तो किया but he did not want to deny, कुछ मजबूरी होती. Example देखते हैं. Would you like something to drink? ये पूछा गया. This is an offer. Reply आया. Thank you. I would like a Coke, please. तो आपने देखा reply में कैसे sentence का frame है? पहले thank you use हुआ है. जैसा कि कहा भी गया है, thank you is used at the beginning of a reply. और thank you कहने से yes छुपा है कि हाँ thank you. इसको चाहिए वो something to drink, ये पता लग रहा है. और क्या चाहिए वो उसने आगे mention किया है. यहाँ पर एड ऑन में एक चीज आप देखो कि प्लीज का यूज भी है. हमने सेकेंड स्लाइड में प्लीज का यूज देखा कि प्लीज इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट. आई वुड लाइक अ कोक प्लीज में प्लीज रिक्वेस्ट में दिया गया है. यहाँ पर क्या है, हम अफर्मेटिव वे में बोल रहे हैं कि हमें कोक चाहिए और रिक्वेस्ट में बोल रहे हैं. तो प्लीज का हम रिक्वेस्ट में देखें. पहले जो सेकेंड स्लाइड में है उसमें क्या है कि हम क्वेश्चन मार्क में बात कर रहे हैं, अपने जवाब को क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम रिप्लाई कर रहे हैं. दिस इज एन अफर्मेटिव केस, बट अगेन इट इज अ केस ऑफ रिस्पॉन्स ओनली. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस एट द कॉन्सर्ट टू नाइट? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एन ऑफर. रिप्लाई आया, नो थैंक यू, आई नीड टू स्टडी. सो क्या हुआ, यहाँ पर थैंक यू का यूज बिगिनिंग ऑफ अ रिप्लाई टू एन ऑफर नहीं है. यहाँ पर नो कहना पड़ा, क्योंकि जब हम कुछ मना करते हैं तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक, वी हैव टू से क्लियरली नो. हाँ, थैंक यू कहने से डिफॉल्ट यस छुपा होता है, इसलिए उस समय यस नहीं कहना पड़ता, जो कि फर्स्ट केस में है. सेकेंड केस में हमें नो कहना पड़ा, बट फिर भी हम थैंक यू दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑफर तो किया. उसके बाद अगर हम बात को आगे और कुछ रीजन दे देते हैं, आई नीड टू स्टडी, तो वो और न्यूट्रलाइज हो जाता है, सामने वाले पर्सन को उतना एक रिलीफ फील होता है, बुरा नहीं लगता.